कर रहे हैं टैबलो सीरीज और आज हम टैबलो के सेटअप के बारे में देखेंगे कि टैबलो का सेटअप कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट आपका ब्राउज़र ओपन करना है और वहां पर आपको टाइप करना है डाउनलोड टैबलो। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको इसकी ऑफिशियल साइट www.tableau.com दिखेगी, आपको इसको ओपन करना है। अब यहाँ पर अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको exe डाउनलोड करना है और अगर आप मेक यूज़ कर रहे हैं तो आपको .dmg फाइल डाउनलोड करना। तो सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी टाइप करना है, देन क्लिक करना है डाउनलोड फ्री ट्रायल पर। देन यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये डाउनलोड लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको .exe फाइल डाउनलोड होगी और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको .dmg फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ पर मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, ये आपके पास डाउनलोड सॉफ्टवेयर होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट 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 जब तक कि वो इंस्टॉल ना हो जाए। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है तो वो आपका एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर अगर आप पैड वर्जन में जा रहे हैं तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको फ्रीली 1 ईयर के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाएगा और इसका करेंटली जो वर्जन है टैबलो का वो है 10.2 वर्जन है। तो ये आपका इस तरह इंस्टॉल होगा। यहाँ पर एक्टिवेट होने के बाद में ये इस तरह ओपन होगा। तब तक हम इसका टैबलो का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ये ओपन होता है तब तक। तो यहाँ पर अगर आप टैबलो ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है टूल बार। यहाँ पर आप टूल बार होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपका डेटा पेन में आपका डायमेंशन और मेज़रमेंट, ये हमारा डायमेंशन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा मेज़र जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन कंटिन्यू ट्रायल कर देता हूँ मैं इसे। यहाँ पर वर्कबुक, जो भी हम फाइल ओपन करेंगे, जो भी हमारी फाइल इंटीग्रेट करेंगे जस्ट लाइक एक्सेल फाइल टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर शीट दिखाई देगी। देन यहाँ पर हमारा मार्क्स कार्ड, यहाँ पर हम किस तरह दिखाना चाहते हैं, जैसे कि हमें बार ग्राफ दिखाना है या पाई चार्ट दिखाना है या लाइन ग्राफ दिखाना। देन यहाँ पर हम कलर का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की डिटेलिंग यूज़ कर सकते हैं। देन ये हमारा जो होगा वो कॉलम एंड रो शीट होगा। यहाँ पर हम जो भी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन यहाँ पर हमारा कैनवास, जहाँ पर हम डेटा विजुअलाइजेशन हमारा व्यू होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा ये स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम ओपन करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई भी फाइल ओपन करके देख लेते। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मोर क्लिक करता हूँ, देन डाउनलोड पे हमारे पास एक सैम्पल एक्सेल शीट है और
इस एक्सेल शीट को मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर इस एक्सेल शीट में हमारे पास सेगमेंट है, कंट्री है, प्रोडक्ट नेम है, डिस्काउंट ब्रांड है, यूनिट सोल्ड है, ये हमने कुछ सैंपल लिया है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, सेल्स प्राइस है, ग्रॉस सेल्स है, डिस्काउंट है, सेल्स कितनी हुई है और प्रॉफिट डेट, मंथ नंबर एंड मंथ नेम एंड ईयर। तो ये हमारे पास जो डेटा है हमारी एक्सेल शीट में। तो ये हमारा डेटा सोर्स है जहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे क्या क्या यूनिट्स है। देन यहाँ पर शीट है जिसमें कि आप डायमेंशन एंड मेज़र देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डायमेंशन की बात करें तो कंट्री, डेट, डिस्काउंट ब्रांड, मंथ नेम, मंथ नंबर, प्रोडक्ट, सेगमेंट, ईयर एंड, तो ये हमारे मेज़र नेम्स सॉरी डायमेंशन है। और यहाँ पर अगर मेन्स मेज़र, इसको हम क्या मेज़र नेम भी बोल सकते हैं। देन ये हमारी है मेज़र वैल्यूज़ है, इसमें हमारा डिस्काउंट, ग्रोथ, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, प्रॉफिट, सेल्स प्राइस, सेल्स, यूनिट सोल्ड, लेट एंड लॉन्ग। तो ये था हमारा सेटअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैब्लू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।